जो स्थिति है मणिपुर में वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का क्रिएशन है। 17 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने एक डेलीगेशन को जाने का आदेश दिया था मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, उसमें सुदीप रॉय बर्मन जी जो त्रिपुरा के विधायक हैं और हम थे, हम लोग वहां पहुंचे 18 तारीख को। तो स्पष्ट रूप से हम लोग को ये जनता के बीच में जब हम लोग अलग अलग जो है सिविल सोसाइटी से लेकर समाज के अलग अलग लोग से जो हमारी जो है बहुत सारे लोग से मुलाकात हुई थी, तो स्पष्ट रूप से ये सामने ये बात आई कि कभी भी मैथी समाज और कुकी समाज के बीच में कभी इस तरह का जो है झगड़ा कभी था ही नहीं। जब से भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि दोनों समाज को जो है ध्रुवीकरण करा के बांट करके अपने राजनीतिक रोटी ये लोग सेक सकते हैं, तो इनके लिए सिर्फ सत्ता पाना उनको कोई मतलब नहीं है, देश से कोई मतलब नहीं है। खास तौर से ऐसे प्रदेश में जो बॉर्डरिंग स्टेट है पहले से ही बहुत सेंसिटिव रहा है, तो लगातार बीरेन सिंह जी के जो प्रदेश सरकार ने अलग अलग तरीके से दरारें पैदा की, कभी कुकी समाज के लोग को फॉरेस्ट से खाली कराया गया फॉरेस्ट एक्ट के नाम पर, कभी चर्चेस को तोड़े गए, कभी मैथी और कुकी के बीच में जो है भाषा ऐसे शब्दों के प्रयोग हुए थे जो हमेशा जो उनको टोकने का जो कोशिश किया, इलीगल माइग्रेंट्स, नार्कोस, पॉपी कल्टीवेटर्स, इस तरह के शब्दों जो आप अपने देश के अनुसूचित जनजाति के लोग को इस तरह का जो है ओचे टिप्पणी बीरेन सिंह ने दिया।